हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मसल्स की कितने टाइप्स की होती है, मसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, मसल्स कैसे बनी होती हैं स्केलेटल मसल्स का, ठीक है। आज हम उनके बारे में कॉन्ट्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है मसल्स। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो होती हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं वो होती हैं मायोसिन एंड एक्टिन। इन दोनों के बाइंड होने से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोटीन्स कौन सी हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ये क्या होती है, रिलैक्सिंग प्रोटीन होती है। जब मसल्स हमारे रिलैक्स्ड होती हैं तब ये प्रोटीन्स एक्टिव होती हैं, ठीक है। ये रिलैक्सेशन प्रोटीन्स होती है, रिलैक्स मसल्स को रिलैक्स कराने में मदद करती हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द थिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये थिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर है, ये जो है ये ग्लोब्यूलर टाइप जो दिख रहे हैं ये आपको, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन प्रोटीन है ये, ठीक है। इन पे क्या होता है कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं वो बाइंड करे हुए होते हैं, इस पे लिपटे हुए होते हैं, जो कि इसको रिलैक्स जो मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं तब, ठीक है। इसकी भी दो यूनिट्स होती है, ट्रोपोनिन की भी तीन सब यूनिट्स होती हैं, TPM, यानी कि जब ये TPM क्या होती है, इससे जुड़ी हुई होती है, इससे अटैच्ड रहती है, ठीक है। TPC जो बाहर की साइड होती है, ये क्या करती है, कैल्शियम आयंस जो होते हैं जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ये कैल्शियम आयंस इस साइड पे आके क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। TPI क्या, ये इनहिबिटरी है, जो कि कैल्शियम जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को रोकते हैं, ठीक है। ट्रोपोनिन इनहिबिटरी जो होते हैं ये इसको रोकते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करने से रोकते हैं, ठीक है। ये थिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम थिक फिलामेंट की स्ट्रक्चर पढ़े तो ये एक सांप जैसा दिख रहा होगा आपको, ये इस ग्लोब्यूलर इसकी ग्लोब्यूलर साइट है, इसको हम हेड बोलते हैं। और ये जो ट्रोपोनिन होता है, मायोसिन फिलामेंट जो होता है, मायोसिन प्रोटीन जो होती है, ये तीन से पॉलीमर होता है, ये 300 से 400 सब यूनिट्स मीरो मायोसिन के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए थिक फिलामेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें दो साइट्स होती हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड ATP बाइंडिंग साइट। जब ATP टूटती है तब एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में मदद होती, कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो ATP तोड़ता कौन है, ATP को H2 की प्रेजेंस में मायोसिन ATPase एंजाइम क्या होगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा ATP का, ADP और IP प्लस एनर्जी। इससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और जो ये बाइंडिंग साइट्स हैं, जो मायोसिन है इसका हेड जो है वो एक्टिन से जाके अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा एकदम से, इसको हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, ठीक है, क्रॉस बाइंडिंग साइट्स जो होती है। सो जब ये हटेंगे, जब कैल्शियम आयंस इस पे जुड़ेंगे और ये इनहिबिटरी जो होगा ये थोड़ा सा स्लाइड कर जाएगा डाउनवर्ड्स, और इसको क्या होगा, जगह मिल जाएगी एक्टिन से जुड़ने की, इसको साइट मिल जाएगी, एक जगह मिल जाएगी मायोसिन को एक्टिन से जुड़ने की, जिससे क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, ठीक है। हम इसका स्टेप्स देखते हैं कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट स्टेप, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल फ्रॉम CNS। CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक सिग्नल जाएगा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर वो एसिटाइल कोलिन केमिकल रिलीज कर देगा एंड इम्पल्स जनरेट कर देगा मसल्स फाइबर्स पर, एंड कॉज एक्शन पोटेंशियल इन मसल्स फाइबर्स को इम्पल्स जनरेट कर देगा, एंड देन वो इम्पल्स जो होंगी वो टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाएंगी, एंड दे ट्रिगर्स रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होंगे, कैल्शियम आयंस रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड वो कैल्शियम आयंस जो होंगे वो कैल्शियम बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रोपोनिन उससे जाके जुड़ जाएंगे, और उसके साथ जुड़ जाएंगे ट्रोपोमायोसिन
वो लेयर जो होगी उसकी जो साइड जो उससे जुड़े हुए हैं वो हट जाएंगे, कवर द बाइंडिंग साइड्स, ठीक है। एंड देन क्या होगा, मायोसिन को जगह मिल जाएगी बाइंड करने की एक्टिन प्रोटीन से। तो मायोसिन बाइंड टू द एक्टिन प्रोटीन एंड देन मायोसिन पुल्स एक्टिन क्लोजर कॉजिंग अ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, एंड ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करेगा। एंड जब रिलैक्सेशन की बात आएगी तो कैल्शियम आयंस रिमूव्ड हो जाएंगे उस साइड से, एंड मायोसिन जो होंगे वो मायोसिन प्रोटीन जो होगा वो एक्टिन प्रोटीन से हट जाएगा और मसल्स रिलैक्स कर जाएंगी। सो ये स्टेप्स हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के, ठीक है। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस आपको दिखाया गया है, अभी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स की भी है, इन द रेस्ट फॉर्म में है ये अभी, ठीक है। ये एम लाइन है, ये मायोसिन है एंड ये एक्टिन प्रोटीन है, ठीक है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं और वो कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो ट्रोपोनिन से जाके जोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बाइंडिंग साइट जो होती है उसकी हट जाती है। मतलब जो ट्रोपोमायोसिन होता है वो थोड़ा सा खिसक जाके आगे की तरफ, जिससे क्या होता है मायोसिन जो होता है ये एक्टिव फिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन से क्या करेंगे, ये जुड़ जाएंगे और ये आगे की तरफ इसको स्लाइड करेंगे, जिसकी वजह ये आगे की तरफ इसको स्लाइड करेंगे जिसकी वजह से सार्कोमिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। और मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। जब कैल्श ये दिखाया है, ये सार्कोमियर है, ये सार्कोमियर ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई, रिलैक्स थी एंड देन कॉन्ट्रैक्ट। जब रिलैक्स होंगी तो कैल्शियम आयंस हट जाएंगे और ये वापस अपनी उसी पोजीशंस में आ जाएंगी। सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो स्लाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, सार्कोमिया कॉन्ट्रैक्ट करता है यहाँ का, ठीक है, ये याद रखिएगा।